जुम्मे के दिन करने वाले अमाल, नाखून तराशना। हजरत हुमैद बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जो शख्स जुम्मे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह तबारक व ताला उससे बीमारी निकाल कर शिफा में दाखिल कर देता है। जुम्मे की अदायगी के लिए जल्दी निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है, और जुमे की नमाज के बाद असर के लिए इंतजार करना उम्रा है। गुस्ल जुमा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना इमरान बिन हसीन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन नहाए उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं, और जब चलना शुरू करे तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। गुस्ले जुमा का फिकही हुक्म। जुमा के दिन गुस्ले जुमा करना सुन्नत मुस्तहबा है। जुमा के 5 खुसूसी आमाल। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा की नमाज पढ़ी, उस दिन का रोजा रखा, किसी मरीज की आयादत की, किसी जनाजे में हाजिर हुआ और किसी निकाह में शिरकत की, तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। जुमा को वालदैन की कब्र पर हाजिरी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माँ बाप या दोनों या एक की कब्र पर हर जुमे के दिन जियारत को हाजिर हो, अल्लाह तबारक व ताला उसकी गुनाह बख्श देगा और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। तिलावत कुरान। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बरोज जुमा सूरह कहफ पढ़े, उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। तिलावत कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शबे जुमा को सूरह हामीम दुखान पढ़े, उसके लिए 70,000 फरिश्ते अस्तग़फार करते हैं। दुआ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी सात है जिसको जो मुसलमान पाए और अल्लाह तबारक व ताला से जो भी सवाल करे, अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है, और ये साथ बहुत थोड़ी देर रहती है। उम्दा लिबास और खुशबू। हजरत अबू सईद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान पर हक है कि जब जुमा का दिन हो तो वो मिसवाक करे और उम्दा लिबास पहने, और अगर उसके पास खुशबू हो तो वो खुशबू लगाए। जुमा के लिए रवानगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ले जनाबत करे और फिर मस्जिद में जाए, गोया कि उसने अल्लाह ताला की राह में एक ऊंट सदका किया। जो शख्स दूसरी साथ में जाए, गोया कि उसने अल्लाह की राह में एक गाय का सदका किया। जो शख्स तीसरी साथ में गया, गोया कि उसने राह खुदा में एक मेंढा सदका किया। जो शख्स चौथी साथ में गया, गोया कि उसने एक मुर्गी का सदका किया। और जो शख्स पांचवी साथ में गया, गोया कि उसने एक अंडे का सदका किया। जब इमाम खुतबे के लिए आ जाता है तो फरिश्ते आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। नमाज जुमा का वक्त। हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम जवाल आफ्ताब के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज पढ़ते थे, फिर साया तलाश करते हुए लौटते थे। खुतबा जुमा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने जुमे के दिन दौरान खुतबा अपने साथी से कहा चुप हो जाओ, तो तुमने लग्व काम किया, यानी बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। खुतबा जुमा का फिकही हुक्म। इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम मालिक बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक दौरान खुतबा खामोश रहना
واجب ہے اور بات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔